भगवान को दूर मानना बड़े में बड़ी गलती, भगवान को दुर्लभ मानना ये और बड़ी गलती, और भगवान कठिनता से मिलते ये तो महागलती है। भगवान तो एकदम सुगमता से मिलते हैं, कुछ ना करो शांत बैठे रहो तो भगवान की सत्ता है। फांफा मारते तो इसीलिए तपस्या की सुविधाएं मिलती है, लेकिन भगवान छुप जाते हैं। अथवा कोई बोलते इतना तपस्या करूंगा तब भगवान मिलेगा, ये भी अड़चन है। मैं योग्य नहीं हूं ये भी मानना अड़चन है। मुझे अभी नहीं मिलेंगे बाद में मिलेंगे ये बड़ी अड़चन है। हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, वो ज्योत ज्ञान स्वरूप है, हाजरा हजूर है, अब भी है, नहीं मिलेंगे बोलते हो वो भी उसी की सत्ता से बोलते, इतना मिला मिलाया है। तो ये जो कुसंस्कार है, जैसे पानी से काई बनती है, सेवाल सेवाल था ना, पानी ऊपर लील चढ़ी जाए पानी ने ढांके, पानी थी बनी हुई पानी ने ढांके, लील क्या होती है, पानी से ही बनती है और पानी को ही ढकती है। ऐसे ही हमारी वृत्ति हमारी ख्यालात चैतन्य से बनती है और चैतन्य को ही ढकती है। कोई यात्री आ रहा था, बाबजी बाबजी मैं बहुत प्यासा हूं। बोले प्यासा है तो ये सरोवर है ना, पीछे छोड़ के आया 25 कदम पीछे। बाबजी सरोवर तो नहीं है, वो तो सब घास घास है, लीला लीला दिखता था। अरे बोले लील को हटा और खोवा भर के पी, बहुत सुंदर पानी है, मधुर सरोवर है, मैं रोज यहाँ से तुम्बा भरता हूँ, जा पीछे। सरोवर छोड़ के आया, बोले प्यासा मरता हूँ। 25 कदम जाएगा और तेरे डाबे हाथ के ऊपर सरोवर है, जैसे जा गया तो देखा लील लील है, लील हटी। लील तो क्या है, हरा हरा घास और सिंघोड़ा भिंगोड़ा ये वो कमल वमल ने ढक रखा था, हटाया तो हा 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 पिया, अब पानी पिया, अब चाहे फिर से ढक जाए लेकिन पानी का अज्ञान नहीं होगा। एक बार पानी कहाँ है वो पता चल गया तो अज्ञान नहीं होगा, जब चाहे तो हरियाली हटा दी, पत्ते वत्ते हटा दिए, पी लेगा पानी। ऐसे एक बार भगवत रस बराबर समझ में आ जाए, फिर भले ने संसार की लील छा जाए, वही बापू तो तरत हटा के आनंदित होते हैं और दूसरों को भी छटकार कर देते, ठंडक दे देते। हाजरा हजूर है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, और परिश्रम साध्य नहीं है, वो तो सहज में है, केवल भूल मिटाना है, सेवा संसार के लिए, एकांत अपने लिए और प्रेम प्रभु के लिए, बस तीन चीजें। जो काम करते जब अपने लिए करते तो ढकता है, प्रेम प्रभु के लिए, सेवा संसार के लिए, और चुप बैठना एकांत अपने लिए, एकदम आनंद। एक एकांत थोड़ा खुल गया, फिर बार बार ढक जाए तो हरकत नहीं, विस्मृति हो जाए तो हरकत नहीं। प्रेम में स्मृति की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान में भी स्मृति की जरूरत नहीं होती है। माँ का बेटे के प्रति प्रेम है और बेटा अमेरिका चला गया, 2 साल के बाद आ गया, 10 साल के बाद आया, तो बेटे को देखकर माँ का प्रेम उभरेगा, माँ को देख के बेटे का प्रेम उभरेगा, और जब भी फोन करेगी तो प्रेम आएगा। याद थोड़ी करती मेरा बेटा छगा है, मेरा बेटा मंगू है, मंगू 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 रट लगाएगी तब प्रेम होगा क्या, नहीं, अपना है मान लिया। ऐसे ज्ञान में भी स्मृति की जरूरत नहीं है, भावना में स्मृति की जरूरत है। बापू सतत स्मरण रखे, सतत स्मरण करूं, सतत स्मरण करूं, ठीक है, शुरुआत में संसार का स्मरण हटाने के लिए थोड़ा भगवान का स्मरण करूं, बाद में सतत स्मरण करे चाहे ना करे, वो है तो है। अरे काई काई पानी को ढक दे, नहीं, हमारे नेत्रों के आगे पर्दा किया, पानी को खाई, खाई क्या दबाएगी, लील पानी ने शू छुपावी नाक है, एवं रीते माया भगवान ने माया शू भगवान ने छुपावी देशे, नहीं, हमारी बुद्धि ने आगड़े माया है। तो भगवान ने प्रीति पूर्वक भजो तो भगवान बुद्धि मां पोतानो योग आपे, बस आनंद ही आनंद है। तो मानो ना मानो ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है, प्रसन्नता तुम्हारी जरूरत है, तो ऊंडा श्वास लो, रोको, अने मोड़े थी फूंक मारी काढ़ी नाखो, 5 दरोजे करो,
જો પછી અંતરાત્મા ઉપર જે લીલ પડી છે તમારી બુદ્ધિ ઉપર ઓછી થઈ જશે, આનંદ આનંદ થશે, અંતર પ્રેરણા મળશે. એમાં ઠગી ના જોઈએ, દૂસરે કો ઠગને કા આદત છોડ દો. મેં કુછ બન જાઉં, બડા હો જાઉં, એસા હો જાઉં, એસા નહીં. નિર્દોષ, જૈસે નિર્દોષ બાળક હોતા હૈ એસા હૃદય કો કપટ રહિત કર દો, નિર્દોષ બના દો. તો ભગવાન તો અભી અભી હૈ, હાજરા હજુર હૈ. ભગવાન જો ભરણ પોષણ કરને કી સત્તા દેતા હૈ, ગમના ગમન કી સત્તા દેતા હૈ, વાણી સ્ફુરિત હોતી, વો અંતર્યામી તો ભગવાન હૈ. ઉસકો સમજને કી બુદ્ધિ નહીં રહી, કમ હો ગઈ, તબ કલયુગ કા આરંભ હોને કા થા. વો યુગ પણ તો સંગમ યુગ મેં યે મૂર્તિ પૂજા સંતો ને શરૂ કરાઈ. જો કોઈ સંત બન જાતા હૈ અથવા સંત કે દોષ દેખતે તો ચલો મૂર્તિ પૂજા કા પરંપરા ચાલુ હોય. પહેલે તો એસે સત્સંગ કે દ્વારા, સત્પુરુષો કે સાનિધ્ય કે દ્વારા ભગવાન કા જ્ઞાન મિલતા, ભગવત શાંતિ મિલતી, લોક સાક્ષાત્કાર કરતે સુખી હો જાતે. લેકિન બુદ્ધિ મેં જરા કલયુગ કા પ્રભાવ પડને લગા તો વો યુગ કા અંત હોને લગા, તો સંગમ યુગ મેં ત્રેતા ઓર કલયુગ કે સંગમ અવસ્થા મેં બના દિયા મૂર્તિ કી પરંપરા. અને મૂર્તિ મેં દેખોગે તો યુરોપ કા કૃષ્ણ ગોરા ગોરા લાગેગા, ઓર મદ્રાસ કા કૃષ્ણ કાલા કાલા લાગેગા, ઓર મથુરા કા કૃષ્ણ ઘઉં વાલા લાગેગા. તો જૈસે જિસકી ભાવના આર્ટિસ્ટ કી હોતી હૈ, એસે ફોટો બનાતે, એસે ચિત્ર બનાતે. તો ભાવના સે ભગવાન કો માનના ઠીક હૈ, અચ્છા હૈ, નહીં માનને સે અચ્છા હૈ, લેકિન ભાવ તો બદલતે રહેંગે. ઓર ભાવના માનસિક શરીર હૈ. તો હમારે પાંચ શરીર હૈ, એક અન્નમય શરીર ઇસકો જો દિખતા હૈ આંખો સે, ઉસકે અંદર પ્રાણમય શરીર હૈ. પ્રાણમય શરીર નિકલ જાય તો એ શરીર મુર્દા હો જાતા હૈ. લેકિન અન્નમય શરીર રહે, પ્રાણમય શરીર રહે, લેકિન ભાવના વાલા મન નહીં રહા, મન સો ગયા તો હમ મુર્દે જૈસે શ્વાસો શ્વાસ લેતે. મુંહ મેં કોઈ રસગુલ્લા ડાલે તો પતા નહીં ચલેગા નીંદ મેં. તો ભાવ ભી ચાહીએ, લેકિન ભાવના કે ગહેરાઈ મેં મતિમય શરીર હૈ, પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય ઓર બુદ્ધિ, ઓર ઉસકી ગહેરાઈ મેં આનંદમય શરીર હૈ, ઓર ઉસકી ગહેરાઈ મેં આનંદ કા અધિષ્ઠાન આધાર. જૈસે તરંગ આહલાદિત દેતી, લેકિન તરંગ કા આધાર પાણી હૈ, એસે આનંદ આનંદ આતા, ઉસકા આધાર ભી ચૈતન્ય. અભી મેં કોઈ અચ્છી બાત કહુંગા આપકો આનંદ આયેગા. તો જડ મેં સે આનંદ નહીં આતા, બુદ્ધિ કો જચ ગયા ઓર બુદ્ધિ થોડી શાંત હુઈ તો આત્મા કી તરંગ કો ઝેલને કી શક્તિ આ ગઈ. તો મેરે ગુરુજી બોલતે થે, મારા ગુરુજી કહેતા થા કે દરરોજ ભગવાન ના દર્શન થાય છે, ભરપેટ દર્શન થાય છે દરરોજ, પણ ખબર નથી પડતી આજ ભગવાન છે. ઊંઘમાં ભગવાન ની નજીક જ આ જીવાત્મા જાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયો મન, ઇન્દ્રિયા મન મેં જાતી હૈ, મન બુદ્ધિ મેં જાતા હૈ, બુદ્ધિ જીવ મેં લીન હોતી હૈ, ઓર જીવ પરમાત્મા મેં શાંત હોતા હૈ. ઇસલિયે વો પરમાત્મા કા નામ ગોપાલ પડતા હૈ. ગો માના ઇન્દ્રિયા, ઇન્દ્રિયો કા પાલન પોષણ કર દેતા હૈ, સુબહ તાજગી આ જાતી હૈ. ઓર ફિર જબ ઇન્દ્રિયા બહિર્મુખ હોતી હૈ તો પરમાત્મા કા દૂસરા નામ રખા ઋષિયો ને ગોવિંદ. ગો માના ઇન્દ્રિયા, ઇન્દ્રિયા તુમ્હારી સત્તા સે વિચરણ કરતી હૈ. તો નેત્ર ઇન્દ્રી, નાસિકા ઇન્દ્રી, જીવવા ઇન્દ્રી, શ્રોત્ર ઇન્દ્રી, હસ્ત ઇન્દ્રી, પેર ઇન્દ્રી, ઉસમે સત્તા ચૈતન્ય કી હૈ. તો એ બહાર સે પકડ પકડ કે અંદર સુખ ડાલતી હૈ, તો વો કાઈ બઢતી જાતી, ભગવાન કી દૂરી બઢતી જાતી. લેકિન ધ્યાન ઓર જપ કરે તો અંદર કા સુખ બહાર ઉડે લે, તો વો દૂરી દૂર હો જાતી ઓર જીવન રસમય હો જાતા હૈ, આનંદમય હો જાતા હૈ. કૃષ્ણ મેં ઓર કંસ મેં યહી ફર્ક હૈ. કંસ રાજપાટ કા સુખ સુવિધા અપને મેં અંદર ભરતા હૈ, તો અંતરાત્મા કા કૃષ્ણ કા સુખ નહીં મિલતા, ઉસે ડરતા હૈ. જબ ભોજન કરતા તો ચપર ચપર આવાજ આતા તો કૃષ્ણ હૈ મેરે કો માર દેગા. અરે જો પૈદા હુઆ વો ચીજે તો મરને વાલી હૈ, જો મિલા હૈ વો તો બિછડેગા. તો જીવ કી આદત હૈ કે મિલા હુઆ બિછડે નહીં. અરે મિલા હુઆ હૈ તો બિછડેગા, આયા હુઆ હૈ તો જાયેગા, પૈદા હુઆ હૈ તો મરેગા. લેકિન આત્મા
आत्मा बिछड़ता नहीं, आत्मा पैदा नहीं होता, शरीर पैदा होता है, राज्य पैदा नहीं होता, राज्य पैदा होता है, लेकिन राजा का राजा परमात्मा पैदा नहीं होता, इसलिए परमात्मा हमारे से बिछड़ते भी नहीं है, केवल हमारी बुद्धि के आगे माया की मान्यता है, इसलिए परमात्मा दूर लगती है, और परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं है, तो जैसी चीजों की इच्छा है उसकी अनुसार हम दौड़ धूप करते हैं, तो ऐसी चीजें मिल जाती है और परमात्मा सुख, परमात्मा शांति, परमात्मा आनंद ढकता जाता है। जिसको संसारी बहुत हाय हाय है उसके जीवन में अंदर का रस नहीं होता, हाय हाय नहीं करो, हरी हरी करो, रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी बहुत करेगा पाप, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, आकर सब मिला तो भी शांति नहीं, फिर दारू पीते, और दारू पीते से पीने से और बुद्धि पर जाला चढ़ जाता है, फिर तो बोल दारू ये नहीं मानेंगे कि भगवान है अथवा भगवान हमको मिल सकते, बुद्धि मंद हो जाती। महाराज जी ने भागवत में कहा मंदा सुमंद मतया, कलयुग में मंद लोग हैं, भगवान को दूर मानते, दुर्लभ मानते, मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, बोले तब भी कोई संत दया करे तो मंद भाग्य भी ऊंचा हो जाता है, बोले हो तो जाता है लेकिन उपद्रता, उपद्रवी है, एक दूसरे के झूठ आरोप, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे पर ईर्ष्या, इसलिए बुद्धि मारी गई। तो निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी नहीं करेंगे, इस पाठ से मेरे साधकों को बहुत फायदा हुआ, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें, तो ऐसा सद्भाव से वो अंतर आत्मा परमात्मा पर जो ना समझी की काई पर ये वो हटती जाती, आनंद बढ़ता जाता है, और उस आनंद को बढ़ाने के लिए श्वास रोक कर जप करें, सवा मिनट डेढ़ मिनट के बाद श्वास छोड़े, फिर बाहर श्वास छोड़कर जप करें और आनंद की भावना करें, कुछ ही दिनों में वो काई जो मान्यता के संस्कार है हट जाते, जीव को आनंद आने लगता है, लेकिन वो आनंद ब्रह्म परमात्मा का है, ये सत्संग के द्वारा समझ में आवे, और धीरे धीरे जैसे आप भोजन करते जाते तो भूख मिटती जाती और शरीर पुष्ट होता जाता है, ऐसे ही भगवान का सत्संग बार बार सुनने से, भगवत ध्यान बार बार करने से, भगवत प्रीति के लिए सत्कर्म करने से धीरे धीरे आपका भगवत भाव जागृत हो जाता है, आप जीव बनते नहीं है, जीव भाव उभरता है, ऐसे आप ब्रह्म बनते नहीं, ब्रह्म तो है लेकिन भावना से जीव भाव बनता है, संसार के चिंतन से संसारी भाव बनता है, क्षत्रिय भाव के चिंतन से आदमी क्षत्रिय बन जाता है, ब्राह्मण भाव पक्का होने से ब्राह्मण बन जाता है, मुसलमान भाव से आदमी मुसलमान बन जाता है, हिंदू भाव से आदमी अपने को हिंदू मानता है, ये सब भाव है, लेकिन मुसलमान में से हरिदास हिंदू बन गए तो अब मैं हिंदू हूँ, कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है तो बोलता मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वास्तविक मैं तो जो का त्यों है, ये तो सब भाव की परते हैं, ऐसे मैं दुखी हूँ दुखी हूँ तो उसका दुख बढ़ जाता है, मैं सुखी हूँ सुखी हूँ तो उसका इंद्रियों की लोलुपता बढ़ जाती है, मैं दुखी नहीं हूँ सुखी नहीं हूँ, दुख और सुख तो इंद्रियों को मन को मिलता है, मैं उनको जानने वाला हूँ परमात्मा को, परमात्मा मेरे, तो परमात्मा ज्ञान होने लगता है, तो अपने को दुखी मत मानो, अपने को सुखी मत मानो, दुख सुख मान अपमान ये सब भाव का है, बाह्य व्यवस्था है, उसको जानने वाला प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु सतरूप है, सत सदा रहता तो मैं सदा हूँ, शरीर सदा नहीं है, मन भी सदा एक जैसा नहीं रहता, बुद्धि भी सदा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन उसको जानने वाला तो एक जैसा रहता है ना, तो जानने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा है, कहाँ दूर है, मन तो कभी सो जाता है फिर भी जो हाजरा हजूर है वो मेरा परमात्मा है आत्मा है, बुद्धि तो कभी भ्रमित हो जाती है लेकिन मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई उसको जानने वाला तो जो का क्यों है, ऐसे अपने ज्ञान में स्वभाव परमात्मा स्वभाव को सुमरण करो। शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावना आना, तो भगवान कृष्ण कृपा करके गोपियों के आगे नन्हे मुन्ने रूप में आते हैं और बोलते हैं ये खिलाओ वो खिलाओ गहने फेंक दो मटके फेंक दो,
फिर बोले वो जिसके लिए तुम बाहर भागती हो वो उसका दर्शन होगा, पहले मेरे से मंत्र लो। और मंत्र यही बोलता कि मैं ही हूँ, ये तो बाहर का है, मैं ही हूँ मतलब जो दर्शन करने के लिए तुमको भगा रहा है वही मैं हूँ, उधर विश्रांति पाओ। वृत्ति पामी विराम, राम जी को देखकर शबरी भिलन की वृत्ति विराम पा गई, फिर राम जी ने स्वस्थ किया, वृत्ति जागृत की और मैं लंका जाता हूँ। तो शबरी पहुंची स्वधाम, फिर अपने धाम में पहुंच गई। इन भजनों के पीछे भी कोई सार सार, जैसे लोग गाते ना गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, तो राधा उल्टा दो तो धारा, विचारों की जो धारा जिससे रमण करती वो अंतरात्मा की खबर है। गोविंद गो माना इंद्रिया, इंद्रिया जिससे विचरण करती वो परमात्मा गोविंद है। गोपाल इंद्रियों का जो पालन करता है प्रभु, उसी का नाम पड़ता है गोपाल। हजार हजार नाम है भगवान ना, हजार हजार नाम छे ने दरेक नाम नी पाछळ एनु रहस्य छे।